काजू कतली पूरे महाराष्ट्र की सबसे पसंदीदा मिठाई बन गई। अकेले एक काजू कतली ने 3 साल के अंदर अंदर हल्दीराम की कुल बिक्री को 400% बढ़ा दिया। नमस्कार, चाहे नमकीन हो या मिठाइयाँ, ये नाम आपके और मेरे जहन में हमेशा आता है। कम दाम पर एकदम बढ़िया क्वालिटी देना, यही हल्दीराम की सबसे बड़ी पहचान। और ये मैं बस आपकी और मेरी ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है पूरे देश भर की। अब नमकीन हो लेकिन हल्दीराम की ना हो तो फिर वो नमकीन ही क्या हुई। अच्छा, तो आज हम जानेंगे हल्दीराम के इस सफर के बारे में कि कैसे 1918 में बीकानेर से शुरू हुई भुजिया की एक छोटी सी दुकान 5000 करोड़ रुपीस के बिजनेस में तब्दील हो गई। ध्यान लगाकर सुनना भाइयों, क्योंकि हल्दीराम के इस सफर में आपके लिए काफी सारे बिजनेस लेसन्स भी छुपे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो नाम है हल्दीराम, ये पड़ा था गंगा भीषण अग्रवाल के ऊपर। अब आप बोलेंगे कि गंगा भीषण अग्रवाल से हल्दीराम कैसे आया? तो हल्दीराम इनका घर का नाम था, जिससे इनकी माँ इन्हें प्यार से बुलाती थी। 11 साल की छोटी सी उम्र से इन्होंने अपने दादाजी के उनकी मिठाई की दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 1946 में इन्होंने बीकानेर में अपनी पहली दुकान की शुरुआत की और इस दुकान से इन्होंने बेचनी शुरू की भुजिया। उस वक्त बीकानेर में सब दुकानों पर बेसन से बनी हुई भुजिया बिकती थी। हल्दीराम ने दाल मोठ से भुजिया बनानी शुरू की। उनकी इस रेसिपी ने उन्हें बाकी सब बिजनेसेस से एक अलग इमेज दी और इसी इमेज को भुनाकर हल्दीराम ने अपनी भुजिया बाकी दुकानदारों से 150 टाइम्स महंगी बेचनी शुरू कर। अब खाने वालों को उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आया, और आता भी क्यों ना। अरे भाई, अब अगर आप वही सेम चीज इतने वक्त से खा खा कर बोर हो गए हो और एकदम से आपके सामने कोई बिल्कुल अलग टेस्ट का आइटम लाए तो पसंद तो आएगा ही ना भाई। अब भुजिया बनाते बनाते हल्दीराम जी को कलकत्ता से एक शादी में केटरिंग का ऑफर आया, और बस यहीं से शुरू हुआ उनका हल्दीराम भुजिया वाले से हल्दीराम्स बनने का सफर। अब आया दौर 1960 का, और हल्दीराम जी से अब बिजनेस की कमान संभाली उनकी बेटे शिव किशन अग्रवाल जी ने। 1960 के आते आते हल्दीराम बीकानेर के अलावा दिल्ली, कलकत्ता और नागपुर में भी फैल चुका था। अब कहने को तो बिजनेस पहले से काफी बड़ा हो चला था, लेकिन बिजनेस चाहे बड़ा हो या छोटा, दिक्कतें तो आती ही हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हल्दीराम बाकी सब जगह तो अच्छा बिजनेस कर रहा था, लेकिन नागपुर में इनका धंधा मंदा था। अब शिव किशन जी ने जांच करी तो पता चला कि मराठी लोग केवल 4 तरह की मिठाई खाना ही पसंद करते हैं, बालूशाही, लड्डू, पेड़ा और मैसूरपाक। शिव किशन जी ने नागपुर में शुरू किया काजू कतली। बस फिर क्या था, काजू कतली पूरे महाराष्ट्र की सबसे पसंदीदा मिठाई बन गई। अकेले एक काजू कतली ने 3 साल के अंदर अंदर हल्दीराम की कुल बिक्री को 400% बढ़ा दिया। इसके बाद भी हल्दीराम के मालिकों ने काफी सारे ऐसे निर्णय लिए जिनसे हल्दीराम को अपना बिजनेस फैलाने में काफी मदद मिली। हल्दीराम का मेन फोकस खुद को भीड़ से अलग दिखाने का था। जिस वक्त उनके बाकी के प्रतियोगी बस मिठाइयां बनाने में व्यस्त थे, उस वक्त वे अपनी पैकेजिंग को बेहतर और प्रीमियम दिखाने में लगे हुए थे। अरे हाँ, पैकेजिंग से याद आया, एशियन पेंट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, राइट? इसके बारे में हमने ये डिटेल में वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे पैकेजिंग की। हल्दीराम ने पहली बार मिठाई के साथ स्टेटस को भी जोड़ा। अपनी अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम पैकेजिंग से उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाया कि उनकी दुकान ऊंची भी है और साथ में उसके पकवान भी मीठे हैं। लेकिन दोस्तों, वो सफर ही क्या जिसमें ऊंचे नीचे रास्ते ही ना आए। तो हल्दीराम के साथ भी 2015 में कुछ ऐसा हुआ। अब वो क्या हुआ उसे जानने से पहले, आपको अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आया है तो जरा वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो। अब अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके लिए हम इस जैसे और अच्छे वीडियोस लेकर आ पाएंगे। तो हाँ, अब 2015 में अगर आपको याद होगा तो भारत में मैगी बैन हो गई थी। इधर मैगी बैन हुई और उधर
अमेरिका में उन्होंने हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को ये कहकर बैन कर दिया कि इनमें पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया का स्तर काफी ज्यादा है। ये होने के बाद भारत में भी हल्दीराम्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स को लैब में जांच के लिए भेजा गया और जांच की रिपोर्ट आने के बाद हल्दीराम को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन इस प्रकरण को हल्दीराम्स ने अपनी तरक्की के सफर में आड़े नहीं आने दिया, क्योंकि 2017 में हल्दीराम्स कई देसी विदेशी कंपनीज को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा स्नैक्स ब्रांड बन गया। आज की तारीख में मार्केट में हल्दीराम के 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इसके 80 से ज्यादा देशों में स्टोर्स हैं। हल्दीराम की एक साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज की कुल कमाई से भी ज्यादा है। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में हमें हमारे अगले वीडियो के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो उसी में से बनाने की। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं खाता बुक के अगले वीडियो में। नमस्कार।